आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आपको पांच ऐसी इंडियन वेब सीरीज के बारे में बताना जो कि इस साल रिलीज हो चुकी हैं और हाई लेवल बेंचमार्क्स सेट कर चुकी हैं। पर सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए ऑल सेलेक्ट कर दो। नंबर 5 पर ह्यूमन बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप की सीरीज है, मतलब कि आप में से आधे लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आएगी और बाकी को शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सीरीज की स्टोरी मेडिकल प्रोफेशन और उससे जुड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस को बहुत ही ब्रूटल तरीके से हाईलाइट करती है। 10 एपिसोड्स की ये वेब सीरीज सिर्फ ऐसी ऑडियंस के लिए है जिनको स्लो बर्न विद मसाला कंटेंट देखना काफी पसंद है। नंबर 4 पर क्यूबिकल्स सीजन 2 एक बार फिर से हमारे सामने ऑफिस लाइफ को एक अलग ही एंगल से प्रेजेंट करती है। जहां सीजन 1 के अंदर पर्सनल लाइफ मेन हाईलाइट था, इस सीजन की स्टोरी में ऑफिस पॉलिटिक्स और कैरियर ग्रोथ जैसे टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करा है। सीरीज की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि टीवीएफ ने इसकी थीम बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसे कि सीजन 1 की थी, जिसकी स्टोरी टेलिंग में ह्यूमर का यूज बहुत ही अच्छी तरह से करा था। नंबर 3 पर भोकाल सीजन 2 वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज रही है और फाइनली इसके सेकंड पार्ट में स्टोरी को एक डिफरेंट एंगल देकर आगे बढ़ाया जाता है और हमें वो सारा एक्शन और थ्रिल देखने को मिलता है जैसा कि हमें सीजन 1 में देखने को मिला था। इस सीजन की स्टोरी में इस बार देदा ब्रदर्स को दिखाया है जो कि सीजन 1 में शौकीन के मरने के बाद अब क्राइम की दुनिया के नए किंगपिन बन जाते हैं। पेरेंटल गाइडेंस की बात करी जाए तो ये सीरीज बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ट्रक की भाषा सब जगह कॉमन होती है, सब समझते हैं। नंबर 2 पर द ग्रेट इंडियन मर्डर एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके लिए मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत लंबे टाइम के बाद में कुछ अच्छा और एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। देखो गाइस, इसकी स्टोरी का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। एक बिजनेसमैन होता है जिसको एक पार्टी में गोली मारकर जान से मार दिया जाता है। अब वो गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, स्टोरी का सस्पेंस इसी पर बेस्ड है जो कि आपको लास्ट तक इस सीरीज के साथ हुक करके रखेगा। हम इंडिया में कुछ बनाते ही नहीं, पर मैं इसे बदलना चाहता हूँ। नंबर 1 की सीरीज रॉकेट बॉयज कम शब्दों में आपके लिए एक डिलाइट टू वॉच सीरीज है। देखो गाइस, ये एक बायोग्राफिकल सीरीज है जो कि हमारे इंडिया के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई और फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर भाभा की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जब उन्होंने साथ मिलकर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम और एटॉमिक रिसर्च की नींव रखी थी। सीरीज की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इसमें 40s और 50s के टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से रिक्रिएट करके दिखाया गया है और फैक्ट्स और डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करा है। सो गाइस, दैट्स इट। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज जरूर देना। सो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।